संसद भवन में श्रद्धांजलि देते जाते लाल कृष्ण आडवाणी और राहुल गांधी। नई दिल्ली आज यानी शनिवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते दिखे। संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस मौके पर राहुल गांधी और लाल कृष्ण आडवाणी एक साथ दिखे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लाल कृष्ण आडवाणी के साथ राहुल गांधी दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड सीनियर बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी पेड ट्रिब्यूट्स टू बीआर अंबेडकर एट पार्लियामेंट हाउस इन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंबेडकर जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पूज्य बाबा साहब ने लाखों गरीब और समाज के हासिले पर खड़े शोषित तबकों को आशा दी। हमारे संविधान के निर्माण के प्रयासों के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जय भीम। अंबेडकर जयंती 2018। भीमराव अंबेडकर वह नाम है जिसने हर शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ी। गौरतलब है कि बीआर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक एक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में काम करते थे। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। ये महार जाति से ताल्लुक रखते थे जिसे हिंदू धर्म में अछूत माना जाता था। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें। ट्विटर पर फॉलो करें।